उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक। हमने जीत लिया, हमारी टीम ने जीत लिया, आप सभी दर्शकों की दुआओं ने जीत लिया। शब्द नहीं, आप आतिशबाजी भी देख सकते हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस जंग में एक एक बहुत बड़ा सच था जिसको मैंने खुद छुपाए रखा था। आप अब उस सच को बताने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस दिव्यांग बच्चे के साथ में, उस हमारे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में, जहाँ वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। मैं जब इस बारे में जब मैं सोचता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन हालातों से हम उसको कैसे बचा पाएंगे। मैं आपके दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सोच के देखें कि एक बच्चा 4 दिनों तक एक छोटे से स्पेस में 60 फीट की गहराई में, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, एक सांप के साथ पड़ा हुआ था। उसकी जीवटता ने हम सबको एक संदेश दिया और हमने ये तय किया कि जैसे भी हो। मैं आप सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्थितियाँ काफ़ी विपरीत थीं, आशानुकूल परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं थी। कितना कठिन था पूरे के पूरे 60 फीट के चट्टानों को काटना, चट्टान इतने बड़े मास लेवल पे, ये सब सभी संभव हुआ। हमने जिन जिन से मदद मांगी, सब ने बेझिझक बिना समय गवाए सारे मदद हमको मुहैया कराए। ये बहुत बड़ी बात थी और ये इस बात का द्योतक है कि कैसे समाज संकट के समय में एक साथ हो सकता है, कैसे प्रशासन अपने ज़िले के लोगों की मदद के लिए आ सकता है, कैसे एक प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री, वो पल प्रतिपल इन चीज़ों की निगरानी रख सकते हैं और हमसे ये कहते हैं कि आपको कोई ज़रूरत हो मुझे तत्काल बताएं। हम उनको अपनी ज़रूरतें बताते हैं और उसको तत्काल उपलब्ध कराते हैं। ये हम सब की जीत है, समाज की जीत है, आप सभी की जीत है। आप सभी लोग इस पूरे अभियान में साथ थे। मैं इस अवसर पर पूरी टीम को, खासकर NDRF की टीम को, SDRF की टीम को, भारतीय सेना को, हमारे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए सभी स्थानीय शासन के और इस गांव आसपास के लोग, जिन्होंने बेझिझक जो उनसे बन सकता था वो मदद दी और इस मदद की सहायता से हम इस पूरे घटनाक्रम को जीत में बदलने में कामयाब हुए। मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। राहुल की स्थिति, डॉक्टर से मैंने टनल के बाहर निकलते ही कहा, उसने कहा स्टेबल है, ठीक है, ही विल रिकवर पक्का और बहुत अच्छे हालातों में हमारे बीच में होगा। उसको जो बेस्ट से बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने 4-4 एम्बुलेंस सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ में उसे रवाना किया है, उसे हम सीधा बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं।